दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ कटता है और आप अपने पीएफ ऑफिस का एड्रेस नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जहां पर आप काम करते हैं वहां के पीएफ ऑफिस का एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन, और ये एड्रेस 100% सही होगा क्योंकि हम ईपीएफ के वेबसाइट से ही निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार, स्वागत करता हूँ ऑनलाइन टेक्निकल चैनल में। अपने पीएफ ऑफिस का एड्रेस निकालने के लिए एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे या गूगल, और सर्च बार में आके टाइप करेंगे epfindia.gov.in। इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, जब पेज खुल के आ जाएगा तो कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप पीएफ ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो घर बैठे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दो ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो ऊपर वाले पहले नंबर पर जो ईमेल है इस पे मेल कर सकते हैं, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो सेकंड वाले मेल पे मेल कर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, इस पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसके बाद पीएफ ऑफिस का एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पे नीचे देखेंगे, नो द ईपीएफ ऑफिस हैविंग जोरिसडिक्शन ओवर एन एड्रेस, इस पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ देख रहे होंगे, राज्य, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जिस राज्य में आप काम करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, या क्या उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, और जहाँ पे आप काम करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी नोएडा, ये आ गया है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर का ईपीएफओ ऑफिस का एड्रेस आ गया है, A2C सेक्टर 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, इस पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने पीएफ ऑफिस से। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने पीएफ ऑफिस का एड्रेस निकाल सकते हैं और आपका पीएफ से रिलेटेड जो भी काम हो जाकर करवा सकते हैं। और दोस्तों, कॉमेंट करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के कॉमेंट के आधार पर ही बनाया है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।